जगह बना ले रहे थे और कहते कभी स्त्री मुख नहीं देखा, स्त्री मुख नहीं देखा मतलब उन्होंने बोले सीता जी से बोले सीता जी को साथ में रहे तब स्त्री मुख देखा नहीं कैसे, बोले नहीं उन्होंने हर समय उनकी चरण भूमि देखे, कभी उन्होंने सर उठा करके। इसलिए जब रामचंद्र ने बोले लक्ष्मण सीता जी को ही अलंकार पहचान रहे हो, बोले उनका केवल प्यार की पायल को रुक रुक में पहचान रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी तो ऊपर देखा ही नहीं माता जी, इसलिए कभी यही पहचान रहा हूँ। ऐसे श्री लक्ष्मण जी उन्होंने छोटे हैं बोले से छोटे भैया बन कर उन्होंने ऐसे उन्होंने लक्ष्मण जी प्रभु राम की 14 साल तक उन्होंने अद्भुत रूप में उन्होंने सेवा किया। फिर दूसरे अवतार में कृष्ण अवतार में श्री बलदेव प्रभु बन करके आए और फिर उन्होंने तीसरा अवतार में फिर श्री नित्यानंद प्रभु रूप में आए और उन्होंने संपूर्ण प्राण दे करके उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने सेवा की, अनंत अनंत रूप में उन्होंने सेवा की। इसलिए चैतन्य भागवत में जब श्री वृंदावन दास ठाकुर नाम तो रखा चैतन्य भागवत चैतन्य मंगल, लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु की कथा को बोल रहे थे बोलते बोलते अगर उसमें कहीं भी श्री नित्यानंद प्रभु का कहीं भी थोड़ी टच आ गया स्पर्श आ गया वो महाप्रभु का कथा छोड़ देते, छोड़ करके फिर नित्यानंद 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 महाप्रभु नित्यानंद नित्यानंद कथा को बोलते जा रहे, नित्यानंद प्रभु कथा को बोलते बोलते जा रहे नित्यानंद कथा को, जब ये हो जाता तो चैतन्य भागवत है ये तो महाप्रभु की कथा बोल रहा है, फिर तो मैंने भूल गया महाप्रभु की कथा, फिर तो नित्यानंद प्रभु सारी कथा मैं सुना रहा। फिर उन्होंने क्या करते हैं अरे महाप्रभु की कथा बोलना शुरू करते हैं, शिक्षा क्या देते हैं, इसमें शिक्षा ये है कहते साधक को गुरु जी की चरण में कितना निष्ठा होना चाहिए, ये चीज शिक्षा देते हैं। जब गुरु जी की कोई बात आए भगवान की बात को छोड़ करके किसकी बात में लग जाए बोले गुरु जी, इसलिए भगवान कहते हैं सिद्धीर बोलो सिद्धीर भवदीवा नेति संशय अच्युत से बिना संशय परिचर्या अतात्मन, इसलिए भगवान खुद कहते हैं जो मेरी डायरेक्ट सेवा करते हैं उनको सिद्धि मिले नहीं मिले इसमें मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जो गुरु जी वैष्णव की सेवा में रत रहते हैं लगनी संशय अत्र उसको भगवत प्राप्ति में कोई शंका नहीं, उसको जरूर भगवान उसको जरूर उनको भगवान मिलेंगे। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर इसलिए श्री कहते हैं श्री लोचन दास ठाकुर बोले संसारे रपार हैया भक्ति रसागरे जे को भी वैसे भजो नीताई चांदे रे, अगर कोई संसार से पार है या भक्ति रसागर बोले संसार से पार होकर के भक्ति सागर भक्ति रूपी समुद्र में अगर कोई गोता लगाना चाहते हैं बोले क्या करे जे डूबी तो डूबी वे से भज को नीताई चांदे रे, या तो उनको क्या करनी चाहिए या तो उनको श्री नित्यानंद प्रभु के चरण की आराधना करना पड़ेगा है उनके चरण की आराधना करना पड़ेगा। इसलिए बोले हेना नीता ये दिने भाई राधा कृष्ण भाई तेनाई नीता ये करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धर नीता ये चरण दुखाने, इसलिए नित्यानंद प्रभु के चरणों को अच्छे तरह से धरो। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के पास बार बार गए लेकिन रह नहीं पाए, उनको रह नहीं पाए बारम्बार उनको परिवार वाले पकड़ पकड़ कर ले आते थे। जब श्री नित्यानंद प्रभु से मिले नित्यानंद प्रभु बोले तू चोरा तू चोर हो तू चोर हो, क्योंकि कहते भगवान किसकी संपत्ति है बोले कृष्ण से तुमार कृष्ण दिते बार तुमार सकती आचे आमी तो सांगाल कृष्ण कृष्ण बोले धाई तब पाचे पाचे, कृष्ण से तुमार बोले कृष्ण किसके हैं बोले कृष्ण गुरु जी के कृष्ण वैष्णव का, इसलिए कृष्ण तुमार मतलब कृष्ण वैष्णव गुरु जी की कृष्ण है और मेरे संपत्ति और मेरे को बोले बगैर तू लेना चाह रहे हैं मेरे को तो बोला ही
मेरे को तो बोला ही नहीं, और डायरेक्ट तुम महाप्रभु के पास में जाना चाहते हो, तेरे को दंड दूंगा। क्या दंड दिया? बोले वैष्णव संग, भक्तों की दही चिड़ा की सेवा कर वैष्णव संग। मतलब क्या? बोले भक्ति जगत में दंड भी ना बहुत बढ़िया चीज। दंड क्या भंडारा? दंड क्या है भंडारा? प्रसाद, भक्तों को प्रसाद खिलाओ। इसलिए भक्तों को जो प्रसाद खिलाए, भक्तों के हृदय में भगवान की निवास, जब सारे भक्त खा कर प्रसन्न हो गए ना, बस ठाकुर अपने आप खुश हो गए, नित्यानंद प्रभु का कृपा हुई। फिर तो लास्ट समय में गए तो पूरा के पूरा जगन्नाथपुरी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पूरा के पूरा जगन्नाथपुरी चले गए। फिर उनको दो बार वापस नहीं ला पाए। क्यों? श्री नित्यानंद प्रभु कृपा इनको पर हो। इसलिए नित्यानंद प्रभु कृपा के बगैर जी का कोई रास्ता नहीं। इसलिए आज श्री अभिनय नित्यानंद अभिनय श्री बलदेव प्रभु का आज जन्मदिन है। इसलिए उस सब हम सबको पर में कृपा करें, आशीर्वाद दें, हैं? क्योंकि ये जो माया है ना, ये बड़ा बलवान है। ये माया को जितना बड़ा कोई नहीं जीत सकता, दैवी जैसा गुणों की माया। लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु को कृपा होने पर, हैं? इसलिए श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं, नितायि करुणा हरे व्रज राधा कृष्ण पावे, आर कबे निताई चांते करुणा हरिवे संसार वासना मर कबे छोड़े। जब से नित्यानंद प्रभु का कृपा हो, ये संसार की जो वासना है ना, हृदय से कब नष्ट हो? संसार की वासना खत्म होगा तब तो भक्ति तरफ में बढ़ पाएंगे। इसलिए हम सबके सब श्री नित्यानंद प्रभु चरण में प्रार्थना करते हैं। बलदेव प्रभु जिसे गर्धवासुर को जैसे खत्म किया, प्रलंबासुर को खत्म किया, दीपांतर को खत्म किया, हमारा हृदय में भी ये बड़े बड़े दैत्य सब बैठे हुए, सब बड़े बड़े राक्षस से बैठे हुए, कोई हमारे हृदय में इस सब को खत्म करे और हृदय में भक्ति प्रदान करे और श्री महापुरुष का चरण में कृष्ण चरण में भक्ति दे, गुरु जी के चरण में कृपा करे, तभी एक दिन हम श्री भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मोहित है, बस मोहित नाम बहुत मई ये इधर आ जाए बलदेव प्रभु की जय। कहाँ गया? मैंने बोला थोड़ा सा नीचे खड़े हो जाओ, मैंने ये बोला। हाँ ठीक है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने पौरुषेय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनवंतो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिभिः। संकर्षण कारण दुषाय गर्भोदशाय श्लोकेशाय शेषश्च यस्यांश कला सनित्यानन्दाख्यां शरणं भवास्तु। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म तिलक और विष्णुपाद अष्टोदश शिष्य वरुण के राज श्री नारायण और संग महाराज एवं मेरे दीक्षा गुरुपाद पद्म तिलक वृष्णु विष्णुपाद अष्टोदश शिष्य वरुण के विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चंद कमलों में दुलत परामर्पित करता हूँ। तत्पश्चात मैं जवा भक्तिदास श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चंद कमलों में दुलत परामर्पित करता हूँ। उपस्थित वैष्णवों और वैष्णवों के चंद कमलों में दुलत करना। आज का दिन बहुत शुभ है, आज बलदेव पूर्णिमा है। तो अभी हम लोग सब सुबह से ही बलदेव प्रभु के विषय में उनके तत्वों के बारे में बहुत सी कथाएँ श्रवण कर रहे हैं। तो जैसे अभी महाराज जी ने मुझे आज्ञा दी है कुछ बोलने पर बलदेव तत्व पे, तो बलदेव जी की कुछ लीलाओं का स्मरण आ रहा है। जैसे कि ब्रज में बलदेव जी की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं। तो जैसे एक बहुत सुंदर पद आता है कि यहाँ वृंदावन हमारे ब्रज में बलदेव जी के नाम से एक गाँव है जिसका नाम ही बलदेव है, उस जगह का नाम ही बलदेव है, या फिर दाऊ जी बोलते हैं उसको।
तो पूरा का पूरा जो सिटी या उस कस्बा है उसका नाम ही बलदेव प्रभु के नाम से है। क्यों? क्योंकि इनका इतना प्रभाव है वहाँ पे। तो वो जो विग्रह है वहाँ बलदेव जी का, वो 6 फुट लंबा विग्रह है, और वो विग्रह किसी का बनाया हुआ नहीं है, वो पत्थर आदि का, वो कैसे, वो वज्रनाथ जी द्वारा स्थापित विग्रह है। वज्रनाथ जी ने 16 विग्रहों की स्थापना की थी भगवान कृष्ण के जाने के बाद। उसमें से 4 देव थे, 4 महादेव, 4 देवियाँ, 2 गोपाल और 2 नाथ। तो उसमें जो 4 देव थे तो वो थे गोविंद देव जी, केशव देव जी, हरिदेव जी और बलदेव जी। गोविंद देव जी वृंदावन में विराजते थे, इसीलिए कल कोई बता भी रहा था कि पहले जो वृंदावन के जो मेन ठाकुर थे, मुख्य ठाकुर, वो गोविंद देव ही थे, क्योंकि गोविंद देव जी पे ही मीराबाई जी की जितने भी पद हैं गोविंद देव जी के, गोविंद देव जी मुख्य ठाकुर है वृंदावन के। और इसी तरह से बलदेव जो थे ये विराजते थे, गोकुल से आगे गाँव है 15-10 किलोमीटर बलदेव गाँव है, उसी में बलदेव जी का भी ग्रह विराजमान था। उसके बाद समय के अनुसार 5-6 वर्ष पुरानी बात है, तो समय के अनुसार सारे विग्रह धीरे धीरे लुप्त हो गए। गोविंद देव जी यहाँ गोमा टीला है वहीं पे विराजमान थे नीचे, और हरिदेव जी और सब, हरिदेव जी का विग्रह विक्षुकुंड है, गोवर्धन में विक्षुकुंड पे था, किसी को नहीं पता था। तो उसको भी केशवाचार्य जी एक संत थे, उन्होंने प्रकट किया, गोविंद देव जी को स्वामीपाद जी ने प्रकट किया। तो बलदेव जी जो थे ये भी इसी तरह से वहाँ एक क्षीर सागर है उसके अंदर विराजमान थे, अंदर किसी को पता नहीं था। तो सोबरी ऋषि के वंश में एक कल्याणजू नाम के एक संत हुए, उन्होंने वहाँ पे उनको प्रकट किया, उनकी कृपा से दोबारा बलदेव प्रकट हुए। और जब बलदेव जी को प्रकट किया तो उसके बाद वहाँ उनकी भोरा की व्यवस्था हुई। ये बात है आज से 300-400 साल पुरानी, होती वन पीरियड जब इंडिया में आया। उसके बाद जब वहाँ सेवा शुरू हुई, उसके बाद उस समय भी मुगलों का राज्य था, तो फिर मुगलों का आक्रमण हुआ, गोविंद देव जी को वृंदावन से ले जाया गया, गोविंद देव जी को यहाँ ले जाते हुए जयपुर ले गए कामा होते हुए। तो सब विग्रहों को जब लेके जाया गया, जब बलदेव जी को लेके लेने के लिए जाने लगे तो बलदेव जी ने मना कर दिया कि मैं ब्रज छोड़ के नहीं जाऊंगा। क्यों? कहते जो भी सेना आती है आने दो। उसके बाद जब मंदिर में हमला हुआ तो ऐसा हुआ कि जितने भी वो सैनिक आए सबको ऐसा कुछ करंट लगा, कुछ ऐसा हुआ कि कोई भी उस विग्रह को छू नहीं पाया और सबकी सब सेना मर गई। उसके बाद जो राजा था मुगल बादशाह, वो अपने दाढ़ी रगड़ता हुआ नीचे, सफाई करता हुआ अपनी दाढ़ी से यहाँ आया था, और पूरा का पूरा उसने बलदेव गांव के पास के जितने भी गांव थे उन सबकी रियासत जो थी वो बलदेव जी के नाम पे लगवा दी। आज भी उसका फतवा है। तो यह है क्यों बताई गई बात कि बलदेव जी क्या है, बलदेव जी बता रहे हैं कि देखो जैसे वृंदावन से गोविंद देव जी चले गए एक भाव से कि गोविंद देव जी यहाँ से चले गए जयपुर, गोपीनाथ मदन मोहन, लेकिन बलदेव जी को लेकर जाने वाला यहाँ से कोई नहीं था। तो बलदेव जी ने एक बार निर्णय कर लिया कि नहीं जाना तो नहीं जाना, फिर चाहे कोई भी मुगल आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, उनको ब्रज से इतना प्रेम है। इसीलिए एक गाया भी जाता है ब्रज में, रसिया ब्रज के राजा इनको कहिए दीन दयाल बड़े बलराम, कि जो बलदेव जी हैं वो कौन है, ब्रज के राजा हैं और दीन दयाल हैं, बड़े हैं, इसीलिए इनकी कृपा से ही जो है ये धाम का स्वरूप क्या है, ये बलदेव जी का धाम जो है बलदेव जी का ही स्वरूप है। तो इसीलिए बलदेव जी वहाँ पे ही जो है विद्यमान रहे। आज भी वहाँ पे बलदेव जी की जो सेवा परिपाटी, आज भी वहाँ उनको भांग का भोग भी लगता है रोज। आप कभी जाओ तो स्पेशल वहाँ पे दर्शन लोग करने जाते हैं बलदेव जी के, इतने सुंदर विग्रह है 6 फुट लंबा, और उनके साथ ही रेवती जी विराजमान है। तो रेवती जी भी उनके साथ में विराजमान नहीं है, रेवती जी उनके सामने विराजमान है। तो इसीलिए वहाँ पे अगर आप बलदेव जी जाते हैं तो वहाँ बताते हैं कि ये रेवती जी सामने क्यों विराजमान है, तो इसके पीछे भी एक गूढ़ कथा है। कहते क्या, कहते जो रेवती जी हैं वो यहाँ पे अपने ससुराल में है। तो कहते ससुराल कैसे हुआ ये बलदेव जी का और रेवती जी का ससुराल कैसे हुआ, कहते ससुराल इसीलिए हुआ क्योंकि ये जो बलदेव गाँव है जिसको दाऊ जी बोलते हैं वो गोकुल के पास, इसका नाम है विद्रुम वन। यहाँ पे रोहिणी मैया विद्रुम वन विद्रुम की लताओं पे जो मूंगे लगते थे उनको लेने आती थी, और इस वन के संवर्धन हेतु यहाँ पे आती थी और कृष्ण और बलराम के लिए बहुत सुंदर सुंदर मालाएं बनाती थी। तब रोहिणी मैया जब यहाँ आती थी तब यहाँ पे इस गांव, इस जगह का नाम था यहाँ विद्रुम के वनों की वजह से यहाँ इसका नाम विद्रुम वन पड़ गया। तो वहाँ पे जो बलदेव जी थे ये वहाँ बलदेव जी की खेलन स्थली भी है, और उसके बाद बलदेव जी का विवाह भी यहीं हुआ। तो कहते विवाह का तो कोई प्रमाण नहीं मिलता क्योंकि श्रीमद् भागवतम और गोपाल चंपू अन्य ग्रंथों के अनुसार जो बलदेव जी की विवाह स्थली है वो द्वारका है, लेकिन हरिवंश पुराण और बहुवैवर्त पुराण के अनुसार मिलता है कि बलदेव जी का विवाह
यहाँ ब्रज में ही हुआ है, तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि एक ही जगह बता दिया कि बलदेव जी का विवाह द्वारका में हुआ, दूसरी जगह बता दिया कि यहाँ पे, तो कहते हैं ये दोनों बातें ही सत्य हैं, क्योंकि ऐसा हम रामचरित मानस में भी पढ़ते हैं कि कभी कभी जलंधर जो है रहते हैं वो रावण बना, कभी राजा प्रताप भानु रावण बना, तो एक ही कल्प कल्प के भेद से सारी कथाएं सत्य हो जाती हैं। तो कल्प भेद से यह कथा भी सत्य है कि बलदेव जी का विवाह ब्रज में हुआ, कल्प भेद से यह कथा भी सत्य है कि बलदेव जी का विवाह द्वारका में हुआ। तो कहते हैं जब द्वारका में हुआ उसकी क्या लीला है, तो कहते हैं उसकी लीला ये है कि एक रेवत नाम के राजा राजा थे और उनके पुत्र हुए कुकुतमी, ये बात सत्ययुग की है। तो उसके बाद क्या हुआ, उनके जो उनके पुत्री हुई तो वो अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी के पास चले गए, और यहाँ के समय में और ऊपर के समय में बड़ा डिफरेंस है। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा जब तक तुम मुझसे मिलने यहाँ आए हो तब तक तो पृथ्वी पर 27 चतुर्युगी बीत चुकी हैं, अभी तक तो तुम्हारी पुत्री के लिए जो योग्य वर है वो है कृष्ण का भैया बलराम, तो उनके साथ ही इसका विवाह कर दो जाके। अब जब राजा कुकुतमी अपनी पुत्री रेवती को लेके यहाँ पर पहुंचे तो उनका जो नीचे सारा वंश जा सारा कुछ नष्ट हो चुका था, कुछ भी नहीं था। तो फिर क्या हुआ, लेकिन विवाह करना था, तो जो यहाँ के ब्रजवासी थे बड़े खुश हुए। अब रेवती जो थी वो बहुत लंबी थी, क्योंकि जैसे जैसे युग परिवर्तन होता है हाइट छोटी होती जाती है, पहले हाइट ज़्यादा लंबी होती थी। तो बलदेव जी जो थे वो अपने 6-7 फुट की हाइट के थे, तो जो बलदेव जी के सखा थे वो सब बलदेव जी को चढ़ाने लगे, अरे दाऊ तेरी जो लुगाई है ये तो बहुत लंबी है, तेरे से लंबी है, तो यह अच्छा नहीं माना जाता अगर पत्नी जो है पति से लंबी हो। तो बलदेव जी ने क्या किया, अपने हल से जो जो रेवती जी थी उनको नीचे दबा दिया, तो इससे वो उनके बराबर आ गए। इस तरह से फिर यहाँ पर विवाह हुआ इसी जगह पर, दाऊ जी जो गाँव है तो यहीं पे विवाह हुआ, इसीलिए यहीं के लोग घराती बने और यहीं के लोग बराती बने, क्योंकि बरात तो है ही नहीं थी जो कहीं से आती, तो यहीं के लोग कुछ लोग हो गए घर तो लड़की वालों की तरफ से हो गए, कुछ लोगों के घर हो गए लड़कों वालों की तरफ से। इस तरह से यहाँ बलदेव जी का विवाह संपन्न हुआ। इसीलिए जब ब्रज में होली खेली जाती है तो होली में विवाह ही लगाई जाती है, तो यह बरसाना में भी यही प्रचलन है। जब बरसाना में नंद गाँव से होली खेलने आते हैं तो वो विवाह के पद ही गाते हैं और सारी गोपियों को भाभी भाभी कह के बुलाते हैं। अब क्या हुआ, जब यहाँ दाऊ जी में होली खेलते हैं तो दाऊ जी में आपने देखा होगा, दाऊ जी में कहते हैं एक कहावत है, कैसे यह देश निगोड़ा, सारे देश में हो रही और ब्रज में हो रहा, दाऊ जी में होली नहीं खेली जाती होरा खेला जाता है। होरे में क्या होता है कि जो वहाँ की दाऊ जी की जो गोपियाँ हैं वहाँ की दाऊ जी के गाँव की, वो वहीं के जो अपने ही गाँव के उनके जो लड़के हैं उनको क्या करती हैं, ग्वालों को कोड़े से पीटती हैं। कोड़े से कैसे पीटती हैं, उन्हीं की शर्ट को फाड़ के कमीज को फाड़ के उसका कोड़ा बना के उसको पीटा जाता है। तो यह होरा देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यह होली खत्म होने के बाद जैसे हमारी गौर पूर्णिमा होती है मार्च में, उसके 15 दिन बाद दाऊ जी में होरंगा खेला जाता है होरंगा, तो दाऊ जी में होरंगा के समय विवाह गाया जाता है। तो यह विवाह लीला भी इसीलिए वहाँ पे किसी अन्य गाँव से ना आके लड़की जो अन्य गाँव से खेलने ना आके वहीं के लोग खेलते हैं आपस में होली, जबकि जो बरसाना में होली खेली जाती है वहाँ नंदगांव से आते हैं होली खेलने और बरसाने की गोपियाँ वहाँ पे लठ चलाती हैं उनसे, और इसी तरह से बरसाना वाले भी नंदगांव होली खेले जाते हैं। लेकिन दाऊ जी में क्या है, वहीं के हुरियारन है और वहीं की हुरियारे हैं, मतलब वहीं की, क्योंकि दाऊ जी में विवाह जो संपन्न हुआ था बलदेव जी का ऐसे हुआ था, इसीलिए वहाँ पे एक छोटा सा पद भी वहाँ पे लिखा हुआ है कि दाऊ दाऊ सब कहे मैया कहे ना कोई, कि रेवती मैया का तो नाम ही नहीं देता कोई, दाऊ दाऊ सब कहते हैं और दाऊ के दरबार में मैया कहे सो होए, और दाऊ जी के दरबार में तो वही होता है जो रेवती जी कहती हैं। तो कहते रेवती जी, फिर अब दूसरा प्रश्न था कि ये रेवती जी ससुराल में, ये तो समझ आ गया, लेकिन रेवती जी ससुराल में होने पर भी सामने भी खड़ी है दाऊ जी के, तो रेवती जी सामने इसीलिए खड़ी है क्योंकि यह कहते हैं ससुराल में प्रथा होती है कि जो स्त्री है ब्रज में वो अपने पति के साथ नहीं खड़ी रहती, क्योंकि यहाँ पे रूनी मैया भी विद्यमान है, तो वो अपने सास के साथ में रहती है, अपने पति की सेवा में है, तो वो सामने से हमेशा सेवा करती है। और दूसरा भाव यह है कि जो प्रेम है उसमें कभी भी वो एक दूसरे से वो आंखों से दूर नहीं होना चाहते, तो इसीलिए हमेशा इस भाव से कि मैं उनके दर्शन कर सकूँ, इसीलिए वो उनके सामने से उनके हर समय दर्शन करती हैं रेवती जी। तो यह है दाऊ जी की बलदेव जी की कथा। और भी यहाँ ब्रज में बहुत सुंदर सुंदर स्थान है दाऊ जी की लीलाओं को संजोए हुए, जैसे एक स्थान है यहाँ पे कि जब रोज कृष्ण बलराम गैया चराने जाते थे, तो जिस दिन धेनुकासुर का वध हुआ, धेनुकासुर के वध की कथा तो सबने सुनी ली, तो धेनुकासुर के वध की कथा के बाद अब कृष्ण जो दाऊ जी हैं वो कृष्ण को रोज चिढ़ाते थे किसी न किसी कारण से लीला रस के आस्वादन के लिए,
तो कहते एक छोटा सा पद भी है कि ताता थैया नाचे राम गोपाल, दाऊ नाचे कन्हैया गावे, कन्हैया नाचे दाऊ गावे, नाचे दे दे ताल। इस तरह से कहते क्या हुआ, एक बार यही दाऊ जी में विद्रोह वन में एक बार क्या हुआ, कृष्ण बलराम दोनों क्या करने लगे, नाचे लगे। तो कहते पहले दाऊ भैया गा रहे हैं तो कृष्ण नाच रहे हैं, जब कृष्ण गा रहे हैं तो दाऊ नाच रहे हैं, और उसके बाद क्या हुआ, सभा सब 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 सभाओं ने गाना शुरू कर दिया तो दोनों भैया राम और गोपाल नाचने लग गए। तो कहते वो दृश्य बहुत सुंदर था कि दोनों राम और गोपाल, कृष्ण और बलराम एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाच रहे हैं, और क्या हो रहा है, त्रिभुवन में सारे देवी देवता आकाश में खड़े होकर इस सुंदर दृश्य को देख रहे हैं कि एक तरफ नीलाम्बर फहरा रहा है दाऊ जी का और एक तरफ कृष्ण का पीताम्बर। और कैसे कहते ब्रह्मा शंकर आदि देवता कह रहे हैं कि ये दृश्य तो भी देखने को मिला ही नहीं आज तक त्रिलोकी में, जो यह दृश्य ब्रज में देखने को मिल रहे थे सुंदर लीला। उसके बाद कहते क्या हुआ, लास्ट में कृष्ण बलराम दोनों गाने लग गए और सब सखा नाचने लग गए, लेकिन है तो ब्रजवासी। फिर कहते क्या हुआ, आपस में बाद में लड़ने लग गए, तो वो कहता मैं बढ़िया नाचा, वो कहता मैं बढ़िया नाचा। तो कहते फिर दाऊ जी ने न्याय कराया, दाऊ जी ने न्याय करा के बोला भैया हम सभी अच्छा नाचे हैं। इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएं होती हैं। कहते एक बार क्या हुआ, एक बार कृष्ण जो है अभी छोटे हैं, तो कृष्ण जो है जब छोटे छोटे जब छोटा बच्चा होता है वो चलने में टाइम लगाता है, तो धीरे धीरे चलते हैं, तो धीरे धीरे चल के आ रहे थे, और दाऊ जी और सब सखा थोड़े तेजी से चलते थे। तो इतने से जैसे ही कृष्ण आ रहे थे पीछे पीछे थोड़ा चलते थे, पीछे रह गए खेलने जा रहे थे जंगल में, तो दाऊ ने सब सखाओं को सिखा दिया और सखाओं को सिखा के बोल दिया कि तुम उन लोगों ने बोलना है, देखो सामने से हुआ आ गया, हुआ आ गया, जैसे बोलते ना कि कुछ आ गया, हा उबला हुआ आ गया जैसे नंदगांव में है। और सब ऐसे कह कह के जल्दी जल्दी कहते देखो वो आ गया करके पेड़ पे चढ़ जाते हैं। और फिर क्या होता है, कृष्ण भगवान कहते हैं जो कृष्ण है वो छोटे हैं, तो कहते हैं कृष्ण क्या है, डर जाते हैं बिल्कुल। और डर के क्या करते हैं, अब बच्चा जब डर जाता है तो क्या करता है, अब देख रहे हैं कि जो मेरा भाई है वो भी उस ग्रुप में शामिल हो गया है दूसरे वाले, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, अब ना तो ऊपर चढ़ सकते हैं। तो बहुत सुंदर पद है, आप चढ़े जो है, आप तो चढ़ गए पेड़ की डाली पर, मोरे मोहे छाड़े वाही सर, धक धक छाती धके दौड़े घर आए, और ये मैया को आके शिकायत लगाते हैं, यशोदा मैया को नहीं, रोहिणी मैया को कृष्ण शिकायत लगाते हैं, कहते हैं क्योंकि कृष्ण को पता है रोहिणी मैया मेरी बात सुनेगी, तो रोहिणी मैया को आके कहते हैं कि मैं तो वहाँ पे डर गया बिल्कुल, और डर के क्या करा, दौड़ दौड़ के घर आ गया और मेरी छाती धक धक करने लग गई, और रोहिणी मैया ने क्या किया, जल्दी जल्दी से कृष्ण को गले से लगा लिया और कहती मेरा लिया भरा है लाला, तो रो मत, अभी दाऊ घर आएगा तो मैं उसको डांटूंगी। और फिर बछिया की पूंछ से उसका कृष्ण का झाड़ा किया जिससे कि उसका डर खत्म हो जाए। तो यह परमानंद दास जी ने बहुत सुंदर लीला गाई है, यह जो लीला भी मैंने आपको बताई। तो इस तरह से कहते बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं, और दाऊ रोज कृष्ण को कहते चिढ़ाते हैं कि तू तो क्या है, मोल का लिया है, तुझे यशोदा मैया ने जन्म ही नहीं दिया। कहते क्या प्रमाण है, कहते ये देखो ना, नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा मैया भी गोरी हैं, तू काला कहाँ से आ गयो। तो इसीलिए बहुत सुंदर पद है, तो कृष्ण आके मैया को शिकायत लगाते हैं, मैया मोहे दाऊ बहुत ही जायो, मोहे 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 तुम्हें मोल को लीनो, तू यशोमती का बजायो, मुझे कहते कि तुझे तो मोल का लीना है, तेरे को यशोदा माता ने कब जन्म दिया। तो इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं दाऊ और कृष्ण की ब्रज में बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो एक लीला क्या थी कि जिस दिन धेनुकासुर का वध हुआ, धेनुकासुर के वध के पश्चात अब कृष्ण देखते हैं कि दाऊ मुझे रोज चिढ़ाते तो आज कृष्ण को भी मौका मिल गया, तो कृष्ण कहते हैं सब सखाओं को बोल देते हैं कि आज जब जैसे दाऊ ही आए सब लोग बोलने लगना, दाऊ देखो तूने आज पहली बार एक दैत्य को मारा और वो भी गधा। तो सब लोग कहने लग गए देखो दाऊ तूने गधे को मारा, तूने गधे को मारा। तो दाऊ कह रहे गधा थोड़ी था वो, तो दैत्य था। अरे कहते चाहे दैत्य था लेकिन था तो गधा ही, तो तुमने गधा मार दिया है आज, तो दाऊ बहुत बड़ी बहादुरी का काम कर दिया गधे को मार के, क्योंकि गधा तो वैसे ही बेचारा है, मतलब अजीब सा होता है, उसको कोई को मारेगा। तो दाऊ को सब ऐसे कहने लगे, दाऊ को भी गुस्सा आ गया, दाऊ कृष्ण को बोले कि कृष्ण आज से तू जो है मेरे साथ गैया चराने मत आई हो, भाई तेरी गैया हालत और मेरी गैया हालत, आज से तू अपनी गैया हालत से पहले एक जगह बैठ के खेलते थे सब और गैया चराते रहते थे, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, दोनों ने अपनी अपनी गैया चराने की जो लोकेशन है वो चेंज कर ली। तो वहाँ पे आज भी ब्रज में वो उस लीला को संजोए हुए स्थान है, छोटी पठैन और बड़ी पठैन। जब हम कोसी जाते हैं, कोकिला वन परिक्रमा में हमारी परिक्रमा जाती है, तो उसके बाद हमारे महाराज जी हमें लेके जाते हैं पठैन, तो वहाँ दो बठैन है, छोटी बठैन और बड़ी बठैन। छोटी बठैन में कृष्ण भगवान का मंदिर है, साथ में थोड़े 1 किलोमीटर के फासले पे दूसरा गांव है बड़ी बठैन, बड़ी बठैन में दाऊ जी का मंदिर है, क्योंकि वहाँ पे कृष्ण और बलराम ने अपनी अपनी गैया जो है वो अलग कर ली थी,
और वहीं से वो अपनी अपनी गृहियां चला के शाम को एक साथ इकट्ठी कर जाते थे। तो इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं वो संजोए हुए हैं ब्रजभूमि दाऊ जी की, कृष्ण भगवान की। और फिर वहाँ पे दाऊ जी का मंदिर भी है, बठैन है, बठैन का अर्थ होता है जहाँ पे बैठते हैं कृष्ण, मतलब वहीं पे बैठ के कृष्ण अपनी गैयाओं को देखते रहते थे अपने यूथ के सखाओं के साथ, और दाऊ अपने यूथ के सखाओं के साथ बैठ के अपनी गैयाओं को निहारते थे। तो इसके बाद एक लीला स्थली और याद आती है, जब हम गोवर्धन जाते हैं, गोवर्धन में आने और गाँव आता है, बड़ी परिक्रमा शुरू होती है। आने और गाँव के थोड़ा सा आगे चलते ही संकर्षण कुंड है, संकर्षण कुंड की लीला भी दाऊ जी के साथ ही जुड़ी हुई है। क्या हुआ था कि जब ब्रज में बहुत मूसलाधार वर्षा हो रही थी, तो क्या हुआ, कृष्ण भगवान ने सुदर्शन जी को आज्ञा दी कि आप जो है जो गिरिराज गोवर्धन के ऊपर घूमते हो, जिससे क्या होगा, पानी जो इतने मूसलाधार वर्षा हो रही है उसका पानी इधर उधर छट जाएगा। उससे हुआ क्या कि ब्रजवासी भी जो है गोवर्धन की शिला के नीचे ही है, गोवर्धन पर्वत के, और ऊपर से सुदर्शन चक्र भी पानी को बाहर फेंक रहे हैं, लेकिन नीचे जो गड्ढा बन गया, नीचे क्या हुआ, पानी बहुत बह बह के इकट्ठा होने से नीचे पानी इकट्ठा होने लग गया। तो कृष्ण भगवान ने दाऊ जी को इशारा किया, दाऊ जी ने देखते ही क्या किया, सारे जो जल का हल के साथ दर्शन कर लिया और उसका एक कुंड में इकट्ठा कर दिया, तो उसका नाम पड़ गया संकर्षण कुंड। आज भी वो संकर्षण कुंड आप देखोगे वृंदावन जहाँ गोवर्धन जाते हैं, वही स्थान है दाऊ जी की लीला स्थली को जो हुए, जहाँ पे दाऊ जी ने सारे जल का इकट्ठा कर दिया था, जो जल बहुत ज्यादा पड़ रहा था नीचे की तरफ, उसी के पास ही वहाँ संकर्षण दाऊ जी का मंदिर है। संकर्षण दाऊ जी के विग्रह के आप दर्शन करना, कभी आपने ऐसा विग्रह नहीं देखा हुआ, 6.5 फुट लंबा विग्रह है, और वहाँ ये नहीं पता चलता वो मेटल का विग्रह है कि किसी पत्थर का विग्रह है, कैसा विग्रह है वो, ऐसा सुंदर विग्रह है। अंदर जाके है दर्शकों उसका, मंदिर पीछे जाके तलहटी की परिक्रमा में जाते हैं, जब उसके अंदर गाँव में जाके संकर्षण दाऊ जी का मंदिर है, वहाँ संकर्षण कुंड से ही रास्ता जाता है। तो इस तरह से, और उससे थोड़ा आगे जाने पर ही एक और दाऊ जी की लीला स्थली को जो स्थान है, इसका नाम है डोका दाऊ जी या लुक लुक दाऊ जी बोलते हैं। वो स्थान क्या है कि जब बसंती रात हुई थी गोवर्धन में, तो 6 महीने के लिए चंद्रमा की गति भी रुक गई थी, तो वहाँ पे जब चंद्र सरोवर पे रात हो रही थी, तो दाऊ जी ने छुपके रात को देखा था गोवर्धन में उसी जगह पे स्थान से। तो उस स्थान पे छुपके रात देखने की वजह से कि गोपियाँ जो हैं दाऊ जी से क्या करेंगी, घूंघट कर लेंगी जब उधर सामने जाएंगी, क्योंकि कृष्ण के युग की गोपियाँ हैं, दाऊ जी बड़े हैं, तो इसीलिए दाऊ जी ने वहाँ पे छुपके रात देखा था, इसीलिए उस जगह का नाम है लुक लुक दाऊ जी। वो भी जगह आती है जब हम बड़ी परिक्रमा करते हैं, गोविंद कुंड से आगे चलते हैं थोड़ा, तो आगे जाके तो मुकुट शिला के दर्शन करने के लिए हम प्रणाम करते हैं, तो वहीं पे पर्वत के ऊपर जहाँ पे हम नहीं चढ़ते लेकिन मंदिर दिखता है छोटा सा, तो वो लुक लुक दाऊ जी की लीला स्थली को संजोए हुए स्थान है। और भी दाऊ जी की कई ब्रज में लीलाएं हुई है, उत्तर शक्ति श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में
अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहिंसकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात श्रील महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम अर्पण करता हूँ। हम लोग प्रातः काल से ही श्री बलदेव प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री लक्ष्मण जी, जो भी भगवान के अवतार हैं, उन सबकी महिमा को श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी लीलाओं का वर्णन भक्तों ने किया। उन लीलाओं में कुछ कुछ शिक्षाएं हैं जो मैं वर्णन करने का प्रयास करूंगा। जो भगवान है वो सदैव विशुद्ध सत्व में अवतीर्ण होते हैं। सत्वम विशुद्धम वसुदेव सत्यम, जो भगवान वासुदेव हैं वो सदैव विशुद्ध सत्व में ही अवतीर्ण होते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी भगवान का अवतार होता है तो वहाँ पर बलदेव प्रभु पहले ही अवतीर्ण होते हैं। जिस जिस प्रकार से, जिस जिस रूप में भगवान अवतार लेते हैं, उससे पहले ही श्री बलदेव प्रभु उनके अवतार के लिए भूमिका तैयार करते हैं। श्री बलदेव प्रभु के स्वरूप के विषय में तो सवेरे से बहुत वर्णन किया जा चुका है कि श्री बलदेव प्रभु, अभी महाराज जी भी बता रहे थे कि स्वयं कृष्ण ही बलदेव प्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए। पहले उन्होंने जो अवतार लिया बलदेव प्रभु के रूप में, स्वयं कृष्ण ही है। फिर कृष्ण को दो स्वरूप धारण करने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि वो सेवा की परिपाटी सिखाना चाहते हैं। भगवान कृष्ण को कौन जान सकता है? कोई भी नहीं जान सकता। श्री ब्रह्मा जी ने भी हार मान करके बोल दिया, जानंत एव जानंत किम भक्त्या नमे विभो मनसो वपुसो वाचो वैभवं तब गोचर। कि जो लोग कहते हैं मैंने कृष्ण को जान लिया, उनको कहने दो, क्योंकि मैं ब्रह्मा, मैंने ये सारी सृष्टि करी है, सारे जीव तो मुझसे ही प्रकट हुए। जब मैं खुद नहीं जान पाया तो तुम लोग कैसे जान सकते हो? इसलिए इनको अभिमान करने दो। फिर भला कृष्ण को कौन जान सकता है? इसलिए सेवा करने के लिए तो जानना बड़ा आवश्यक है, मन में क्या चल रहा है, हृदय में क्या इच्छाएं। इसीलिए भगवान स्वयं ही उनके बाईं ओर से श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई, जो कि उनके समस्त हृदय के भावों को जानने वाली है, क्योंकि उनको सेवा की परिपाटी की शिक्षा देनी है। फिर जो दाईं ओर है उनसे स्वयं बलदेव प्रभु प्रकट हुए, जो कि कृष्ण से अभिन्न है, और वो भी जगत को शिक्षा की परिपाटी, सेवा की शिक्षा की परिपाटी सिखाने के लिए अवतीर्ण होते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का भी अवतार होने वाला है, तो अवतार से पूर्व ही जो बलदेव प्रभु हैं वो वहाँ पर आकर के श्री देवकी के घर में, सप्तम घर में श्री बलदेव प्रभु का आविर्भाव हुआ, और वहाँ पर आकर के उन्होंने वो विशुद्ध सत्व आसन इत्यादि जो भगवान के अवतीर्ण होने के लिए आवश्यक हैं उन सब की व्यवस्था करी। उसके पश्चात योग माया के द्वारा उनका संकर्षण करके उनको रोहिणी के घर में स्थापित कर दिया गया। ये सब भगवान की इच्छा से ही हुआ, क्योंकि जो रोहिणी है, रोहिणी देवी, वो बलदेव प्रभु की नित्य माता है। इसलिए वो बलदेव प्रभु डायरेक्ट रोहिणी देवी के घर में नहीं आए, क्योंकि उनको भगवान के आविर्भाव के पहले ही उनके लिए व्यवस्था करनी है। ये जो धाम है, सवेरे हम लोगों ने सुना, सैया आसन चामर व्यजन जो कुछ भी है, भगवान का वस्त्र अलंकार इत्यादि, वो सब के सब बलदेव प्रभु ही है। इसलिए जितने भी भगवान के अवतार होते हैं, अब कोई पूछ सकता है कि जब नरसिंह अवतार हुआ, मान लो कृष्ण का अवतार हुआ उसमें बलदेव प्रभु साथ में, राम जी का अवतार हुआ उसमें लक्ष्मण के रूप में साथ में, महाप्रभु के रूप में आए तो उसमें नित्यानंद प्रभु के रूप में साथ में, लेकिन नरसिंह भगवान के कहाँ साथ है? जब वराह देव का आविर्भाव हुआ तो वो तो सीधे नाक से निकले और इतने बड़े हो गए, हिरण्यास को मारा और वापस चले गए, कहाँ पर उनका अवतार हुआ? बलदेव प्रभु का तो अवतार नहीं हुआ, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि वो सदैव साथ में रहते? तो अभी जैसे हमने बताया कि उनके अलंकार, उनके आभूषण और बलदेव प्रभु सदैव साथ हैं, भगवान के जो युद्ध करने के जो आयुध हैं वो बलदेव प्रभु ही हैं। इसलिए जब नरसिंह भगवान सारे अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ में जब प्रकट हुए तो वो सब कौन है? बलदेव प्रभु। और जब वराहदेव, जो उनके हाथ में जो गदा है वो क्या है? वो भी बलदेव प्रभु का ही प्रकाश है। इसीलिए भगवान के साथ वो सदैव ही विराजमान रहते हैं। अब बलदेव प्रभु का जो तत्व है, हम लोगों ने सवेरे से श्रवण किया, वो अखंड गुरु तत्व है और पांचों रसों में ही भगवान की सेवा करते हैं। चार रसों में तो उनके जितने भगवान के परिकर हैं वो चार रसों के
शांत दास सख्य और बात्सल्य वो सभी बलदेव प्रभु से प्रकट होते हैं और जो मधुर रस के परिकर हैं वो श्रीमती राधा रानी से प्रकट होते हैं। लेकिन बलदेव प्रभु भी अनंग मंजरी के रूप में मधुर रस से सेवा करते हैं। इसलिए बलदेव प्रभु की जो अखंड गुरु तत्व है किंतु कृष्ण की कृपा के बिना गुरु को भी पहचानना असंभव है। वही इस जगत में उसी शिक्षा की परिपाटी को सिखाने के लिए गुरु के रूप में आते हैं। इसका प्रमाण मिलता है श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में नित्यानंद प्रभु ने पहले ही अवतार लिया, बहुत सारी लीलाएं की। बचपन में ही वो घर से बाहर चले गए एक सन्यासी के साथ और सारे भारत में भ्रमण करते करते अनेक स्थानों पर पहुंचे और जब ब्रज में आए तो उनको आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा जो कृष्ण है वो तो नदिया में अवतार ले चुका है। इसलिए वो वहाँ पर गए नवदीप धाम में। नवदीप धाम में पहुँच करके श्री नंदन आचार्य के घर में जाकर छुप गए। उन्होंने कहा अगर ये मेरे कृष्ण है तो मुझे पहचान लेंगे। महाप्रभु ने पहले ही 2-3 दिन पहले ही नित्यानंद प्रभु के आने से पूर्व ही सारे भक्तों को बोल दिया था कि हमारे नवदीप में 2-3 दिनों के बाद में बहुत बड़े महापुरुष आने वाले जिनके दर्शन से ही सब पवित्र हो जाते हैं। अब वो दिन आ गया तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर और श्री श्रीवास पंडित दोनों को भेजा कि जाओ वो महापुरुष आए, परम वैष्णव इस नवदीप धाम में आ चुके हैं, इसलिए आप लोग उनको ढूंढ करके ले आओ। जब वो ढूंढने के लिए पहुंचे उनको 3 प्रहर हो गए, सारी गलियां घर द्वार सब कुछ उन्होंने ढूंढ लिया परंतु उनको नित्यानंद प्रभु मिले। फिर वो आकर के श्री चैतन्य महाप्रभु से बोले प्रभु आपने कहा था कि परम वैष्णव जिनके दर्शन मात्र से ही सब पवित्र हो जाएंगे, ऐसे तो हमको दिखाई नहीं दिया, हमने सारे गलियां द्वार घर सब कुछ देखा परंतु हमको तो दिखाई नहीं दी। तब श्री चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे और सारे भक्तों को लेकर के सीधे श्री नंदन आचार्य के घर में पहुंचे। और जैसे ही श्री नंदन आचार्य के घर में पहुंचे श्री नित्यानंद प्रभु भीतर छुपे हुए थे और वो भीतर से निकल करके आए और श्री चैतन्य महाप्रभु को जब उन्होंने देखा तो बिल्कुल देखते ही रह गए क्योंकि इतने दिनों के बाद में कृष्ण के दर्शन हुए बलदेव प्रभु को। और कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु उनको भी इतने दिनों के बाद में नित्यानंद प्रभु के दर्शन किए, इसलिए दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे हैं और आनंद में प्रेम में विभोर हैं लेकिन अपने आप को अभी भी छुपा करके रखा हुआ है, उन्होंने अपने आप को प्रकाशित नहीं किया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब भक्तों की ओर देखा तो भक्तों को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कितने श्रेष्ठ वैष्णव, कैसे महिमा पता चलेगी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तब श्रीवास पंडित जी को बोला कि तुम एक भागवत के श्लोक को गान करो, बरहा पीडम नश्वर वपु कर्ण्यो कर्णिका। बस उन्होंने जैसे ही श्लोक को गान किया और उसी समय नित्यानंद प्रभु भाव में आविष्ट हो गए, प्रेमाविष्ट हो गए, नाचने लगे, कूदने लगे, उछलने लगे और भावाविष्ट होकर के गिर पड़े। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं तुम पुनः पुनः गान करो, अभी तुमको इनकी महिमा पता नहीं चली, पुनः पुनः गान करो। जब श्रीवास पंडित ने फिर से गान करना शुरू किया तब तो जो नित्यानंद प्रभु ने जो भावों का प्रदर्शन किया वो अद्भुत था, इतनी ऊपर उछल गए और ऊपर उछल करके धड़ाम से गिरे, सारे भक्तों को लगा इनकी तो हड्डी पसली टूट जाएगी। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर उनको किसी प्रकार से कंट्रोल किया, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे सारे भक्त लोग। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसी प्रकार से उनको पकड़ा, तब सारे भक्तों को श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा पता चली। यहाँ पर क्या शिक्षा मिलती है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता की, कि ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते अनंत कोटि ब्रह्मांडों में कोटि कोटि योनियों में जन्म लेने के पश्चात हमको जो गुरु की प्राप्ति होती है उस गुरु को भी हम पहचान नहीं सकते। नित्यानंद प्रभु कौन है, अखंड गुरु तत्व, लेकिन वो गुरु तत्व को पहचान पाए क्या, नहीं पहचान पाए। जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होगी तब तक हम गुरु को भी नहीं पहचान पाएंगे, हमारी उनके प्रति क्या हो जाएगी, साधारण मर्द बुद्धि, जैसे कि हम देखते ही हैं बहुत से लोगों की मर्द बुद्धि हो जाती है। गुरु जी भी बूढ़े हो गए, उनके भी बाल पक गए, उनके भी रोग हो रहे हैं, व्याधि हो रही है, ये सब क्या है, ये मर्द बुद्धि। जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होगी तब तक उनकी महिमा को नहीं समझा जाता, और जब गुरु की कृपा होगी तब कृष्ण की प्राप्ति होगी, यानी कृष्ण की कृपा से पहले गुरु के स्वरूप के विषय में पता चलेगा और जब गुरु के स्वरूप के विषय में पता चल गया, हम उनके शरणागत हो गए, तब गुरु की कृपा से ही हमको फिर कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होगी।
फिर एक समय श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए, अब जैसे हमने दो बातें बताई कि गुरु की कृपा से कृष्ण मिलेंगे, लेकिन कुछ लोगों की गुरु के प्रति मर्द बुद्धि भी हो जाती है क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाते। अब जिनकी मर्द बुद्धि होती है और जिनकी गुरु के प्रति भगवत बुद्धि होती है, इन दोनों में क्या अंतर है, ये श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है, चैतन्य भागवत में वर्णन किया गया है नित्यानंद प्रभु की लीलाओं के माध्यम से। अब नवदीप में रहने लगे श्री नित्यानंद प्रभु, तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम श्रीवास पंडित जी के घर में रहो। श्रीवास पंडित जी के घर में रहते थे और वो सदैव अवधूत की लीलाएं करते, सदैव बाल्य भावा के इसमें आविष्ट रहते थे बालक के, तो कभी भी जो मालिनी देवी श्रीवास पंडित की पत्नी उनके सामने ही बिल्कुल निर्वस्त्र हो जाते थे, निर्वस्त्र होकर ही दिगंबर होकर के आंगन में घूमते रहते थे, उसी अवस्था में कभी उनकी गोद में बैठ जाते थे, कभी स्तनपान करने लगते। जो मालिनी देवी थी उनकी उम्र बहुत ज्यादा, उनके स्तन से दूध नहीं होता है, लेकिन जैसे नित्यानंद प्रभु ने उनको स्पर्श किया स्तन में तो दूध भी निकलने लगा, इसीलिए मालिनी देवी समझ गई ये साधारण नहीं है, ये विशेष विशेष है। इसी कारण से श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की महिमा को प्रकाशित करने के लिए एक दिन श्रीवास पंडित की परीक्षा की, और श्रीवास पंडित के घर में आकर के श्री महाप्रभु बोले, अरे श्रीवास तुमने ये किसको अपने घर में रखा हुआ, ये अवधूत को इसकी जात पात का कुछ पता नहीं, क्या क्या करता रहता है, इसकी क्रियाएं देखो कैसी है, संन्यास लिया है किससे संन्यास लिया है वो भी कुछ पता नहीं, त्रिदंड इसके हाथ में नहीं है, तुमने इसको क्यों रखा हुआ है। तो श्रीवास पंडित बोले, प्रभु अब जो मैंने बताया था कि देखो जो गुरु तत्व को जान लेता है, जिसकी गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा होती है, उसका फल क्या है, यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशित कर रहे हैं और साथ ही साथ नित्यानंद प्रभु की महिमा को भी प्रकाशित कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया, श्रीवास पंडित जी बोले, देखो प्रभु आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, मैं नित्यानंद प्रभु की महिमा को अच्छे से जानता हूँ, अगर नित्यानंद प्रभु ये तो छोड़ो जो करते हैं लीलाएं ये तो बहुत छोटी है, अगर वो हाथ में मदिरा लेकर के साथ में यमुनी यानी मुसलमान जो कि अंत्य चारों वर्ण आश्रम के बाहर है, वो मुस्लिम औरत को भी साथ में लेकर के अगर मेरे घर में आए और मेरी जाति को भी नष्ट कर दे तो भी नित्यानंद प्रभु के प्रति मेरी मर्द बुद्धि नहीं होगी। यहाँ पर बहुत बहुत बड़ी शिक्षा प्रदान की है, क्योंकि जो वैष्णव लोग होते हैं महाभागवत लोग होते हैं उनकी क्रियाएं समझ में नहीं आती, बड़े से बड़े लोगों को भी समझ में नहीं आती, वो इस प्रकार की अनेक लीलाएं करते हैं। श्री बंसीदास बाबा जी महाराज उनके पास में बहुत सारे भक्त लोग आते थे भजन नहीं करते थे, तो श्री बंसीदास बाबा जी महाराज क्या करते थे, मछली के कांटे ले आए और मांस के टुकड़े ले आए, शराब की बोतल ले आए, अंडे के छिलके ले आए, अपनी कुटिया के चारों ओर फैलाए, कभी चाय पीने लगते हैं कभी हुक्का पीने लगते हैं। अब इस प्रकार का जो आचरण है महाभागवत का, क्या वो किसी मनुष्य की बुद्धि में आएगा, और उसको देख करके बहुत सारे लोग जो उनके पास में आकर के जो अपनी सांसारिक इच्छाओं को बता करके समय नष्ट करते थे उनका वो सब आना बंद करो। तो महाभागवतों के जो आचरण है उसको बड़े बड़े लोग समझ नहीं पाते। श्रीवास पंडित जी ने यहाँ यही शिक्षा दी कि नित्यानंद प्रभु कौन है, वो स्वयं अखंड गुरु तत्व, उनकी महिमा इतनी है, और ऐसा आचरण देखा भी जाता है, बताओ जरा ये किस सन्यासी का आचरण है। जैव धर्म में स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है जो सन्यास लेकर के फिर से गृहस्थ आश्रम को ग्रहण कर लेता है उसे बांतासी कहा जाता है। बांतासी का मतलब होता है जो कुत्ता होता है ना उल्टी कर देता है फिर उसको ही चाट जाता है। इसी प्रकार से एक बार जो संसार इत्यादि को त्याग दिया और फिर उसके बाद फिर ग्रहण कर लिया इसको कहा जाता है बांतासी। तो नित्यानंद प्रभु ने तो देखने में ऐसा ही लगता है यही किया, संन्यास लेकर के और फिर सारे भारत में भ्रमण किया प्रचार किया लोगों को भक्ति की शिक्षा भी दे रहे हैं, बाद में जाकर के वो शादी कर ली, तो शादी संन्यास के बाद तो शादी का वो नियम नहीं है, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने किया। इसका सामंजस्य देखा जाता है श्री भागवत में। श्री सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया तेजिए शाम न तो साय बनने सर्व जो यथा, जिस प्रकार से शिव जी ने विष पान कर लिया लेकिन वो विष पान करने से उनकी महिमा और बढ़ गई, उनका एक नाम और बढ़ गया नीलकंठ, लोगों के सामने उनकी महिमा और बढ़ गई। उसी प्रकार से जो तेजिए शाम लोग होते हैं उनका कोई दोष नहीं होता, इसलिए महाभागवतों के प्रति इस प्रकार की मर्द बुद्धि नहीं करनी चाहिए। श्रीवास पंडित जी ने यही बोला और ये सुनने के साथ ही साथ महाप्रभु भावाविष्ट हो गए प्रेम में और उन्होंने श्रीवास को गिरा करके उनके सीने के ऊपर बैठ गए और हुंकार भरने लगे बड़ी तेजी से और प्रेम में कहते हैं
कि श्रीवास मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ, तुमने मेरे नित्यानंद की जो जो तत्व है उसको ठीक ठीक पहचान लिया। मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ कि कभी हो सकता है लक्ष्मी देवी को भी गली गली में भिक्षा करनी पड़े, किंतु मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे घर में कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं होगा। यानी कि जिसने गुरु को ठीक ठीक पहचान लिया तब कृष्ण ने उसके ऊपर कृपा की। तो ये आपस में बहुत ही गुण तत्व है कि कृष्ण की कृपा से गुरु प्राप्त होंगे, फिर गुरु की कृपा से कृष्ण प्राप्त होंगे। गुरु के प्रति यदि इतनी भगवत बुद्धि है जिसकी, तो भगवान उसको एक क्षण में ही सारी सिद्धियां प्रदान कर देते हैं। दूसरी ओर जिसकी गुरु के प्रति मर्द बुद्धि होती है उसका भी प्रमाण देख लेते हैं महाप्रभु की लीला में। महाप्रभु के लीला में हम देखते हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत की रचना की है। जो चैतन्य चरितामृत इतना अद्भुत ग्रंथ है कि श्रील प्रभुपाद ने जिसके विषय में कहा है कि दुनिया के सारे भक्ति ग्रंथ, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत भी यदि जगत से लुप्त हो जाए, तो हमारे पास अगर श्री चैतन्य चरितामृत है तो हमारे भक्तों का, गौड़ी भक्तों का काम चल जाए। इतना सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ, उसका वर्णन करने वाले श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब श्री नित्यानंद तत्व का वर्णन कर रहे हैं, उस समय वो स्वयं ये वर्णन कर रहे हैं कि देखो यद्यपि नित्यानंद प्रभु ने मुझे मना किया कि ये बात किसी को नहीं बताना, लेकिन अगर मैं नहीं बताता हूँ तो बड़ा कृतघ्न हो जाऊंगा, यानी जो उपकार को मानता नहीं है, इसलिए उनकी कृपा को मैं बिना बताए रह ही नहीं सकता, इसलिए इसका वर्णन कर रहा हूँ। उसमें श्री कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि एक समय क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु के एक भक्त श्री मीन केतन रामदास, उनकी महिमा इतनी थी कि उनके दर्शन मात्र से ही लोगों के मुख से हरिनाम निकलने लगता था। ये महाभागवत के लक्षण है कि उनके दर्शन करने मात्र से ही हरिनाम निकलने लगता था। सदा प्रेम में आविष्ट रह करके नित्यानंद प्रभु का नाम कीर्तन करते थे, महाप्रभु का नाम कीर्तन करते थे। उनके हाथ में एक बंसी रहती थी, प्रेम में आविष्ट होकर के वो कभी किसी को बंसी से मार देते थे। तो सामान्य, जैसे भी हमने बताया कि महाभागवतों की जो क्रिया है वो समझ नहीं आती, बंसी से मार देते तो लोग देखेंगे अरे ये क्या कर रहा है, बिना बात के बंसी से मार दिया। वो बंसी से मार कर ही प्रेम प्रदान कर देते थे और किसी के कंधे पर चढ़ जाते थे और उसके गालों को बड़ी जोर से जैसे चांटे मारते हैं ना, ऐसे थपथपा देते थे और उसी से प्रेम प्रदान करते थे। इस प्रकार से उनकी उनके नेत्रों से निरंतर अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही थी। जब से कविराज गोस्वामी के घर में रात में अखंड संकीर्तन था, उस समय वो आए और उनके उनके जो शरीर में ये प्रेम के सारे विकार देखे जा रहे थे। उस समय क्या हुआ, जो उनके घर में एक ठाकुर जी का जो पुजारी था उसका नाम था गुणाना मिश्र, वो जो गुणाना मिश्र है, जब मीन केतन रामदास आए और इस प्रकार से सभी लोग उनके सम्मान में उठ करके खड़े हो गए, परंतु वो खड़ा नहीं हुआ, पूजा में ही लगा रहा, तो श्री मीन केतन रामदास ने बोल दिया ये दूसरा रोम अर्चन। जिस प्रकार से बलदेव प्रभु ने रोम अर्चन सूद का वध किया, सुबेर आप लोगों ने कथा सुनी, उसी प्रकार से ये दूसरा रोम अर्चन सूद है। अब यहाँ ऐसे महाभागवत क्या इस प्रकार की बातें सोचेंगे कि मेरा सम्मान नहीं किया, अरे महाभागवत को तो अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध तक नहीं रहती, उनको अपने मान सम्मान की कहाँ शुद्ध है, शरीर की शुद्ध नहीं रहती उनको, फिर ये मान सम्मान कहाँ देखने वाले को। लेकिन यहाँ पर तो यही देखा जा रहा है, इसीलिए कहते हैं कि गुरु वैष्णव के अनुगत में ये सब ग्रंथ पढ़ने चाहिए, नहीं तो ऐसे तत्व समझ में ही नहीं आएंगे, मन में क्या होगा उनके प्रति भी दुर्बुद्धि हो जाएगी और हमारा फिर अपराध हो जाएगा, हमारा विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पर बताया कि श्रील प्रभुपाद टीका में लिखते हैं कि यद्यपि मीन केतन रामदास महाभागवत है, उनको अपने सम्मान की कोई परवाह नहीं, उन्होंने अपने सम्मान के लिए ऐसा नहीं कहा। रोमर्षण सूद, रोमर्षण ने क्या किया था, मीन केतन रामदास के चरणों में अपराध किया था, उन्होंने किसके चरणों में अपराध किया, बलदेव प्रभु के चरणों में अपराध किया। बलदेव प्रभु जब वहां पर उपस्थित हुए सभा में और वो खड़े ही नहीं हुए, सम्मान तक नहीं किया, ब्याज गद्दी पे बैठे रहे, तो बलदेव प्रभु ने उनको संहार कर दिया। तो यहाँ पर ये जो गुणाना मिश्र था इसका क्या था, महाप्रभु के प्रति तो बड़ी श्रद्धा थी, किंतु जो उनसे अखंड गुरु तत्व, जो उनसे अभिन्न है महाप्रभु से नित्यानंद प्रभु, उनके प्रति श्रद्धा नहीं। और मीन केतन रामदास को महाभागवत है, वो सब जानते हैं, अंतर्यामी होते हैं, महाभागवत लोग सब अंतर्यामी होते हैं, सब मन की बात को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा उनको अपने सम्मान की कोई चिंता नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा ये दूसरा रोम अर्चन। तब वहां पर जो उनके भाई थे श्री कविराज गोस्वामी के, वहां पर भाई भी थे, वो भाई ने उनसे कुछ वाद विवाद किया इसी बात को लेकर के आपने ऐसा इनसे क्यों कह दिया,
तो ये देख करके मीन केतन रामदास बड़े दुखी हो गए और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या किया, अपनी बंसी को तोड़ करके वहीं फेंक करके वहां से चले। यह देख करके कविराज गोस्वामी बड़े क्रोधित हुए और अपने भाई को बहुत बुरा भला कहा और उन्होंने कहा तुम अर्ध को कोटि न्याय करते हो, एक को मानते हो और एक को नहीं मानते। श्री चैतन्य महाप्रभु को मानते हो, नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते, ये दोनों तो अभिन्न है, एक कृष्ण है एक बलराम है, इसमें से एक को मानोगे और एक को नहीं मानोगे, इसलिए तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। श्री कविराज गोस्वामी लिखते हैं मेरे भाई का उसी क्षण सर्वनाश हो गया और मैंने उसी क्षण क्रोध में आकर के घर का त्याग कर दिया। अब कविराज गोस्वामी वहां पर नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए लिखते हैं, जब मैं वहां से आगे नेहाटी गांव में पहुंचा उस समय रात हो गई थी, मैं सो गया और स्वप्न में मुझे नित्यानंद प्रभु ने दर्शन दिया। नित्यानंद प्रभु ने दर्शन देते हुए कहा कि कविराज मैं तुमसे विष्णुदास मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अभी यहाँ से वृंदावन चले जाओ और वहां पर जाकर के तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद जब सवेरे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की नींद खुली, वो वृंदावन आ गए, वृंदावन में उनको रूप गोस्वामी की कृपा से भक्ति रस का प्राप्ति हुई और सनातन गोस्वामी की कृपा से भक्ति सिद्धांतों की प्राप्ति हुई, गोविंद देव मदन मोहन सबके दर्शन उनको साक्षात रूप में हुए। तो इसलिए कविराज गोस्वामी अपनी दीनता प्रकाशित करते हुए लिखते हैं, जगाई मदाई हईते मुई से पावे पुरसेर कीट हईते मुई से लगे। मैं तो जगाई मदाई से भी अधिक पापी हूँ और जो विष्ठा का कीड़ा होता है उससे भी नीच हूँ। मेरा जो नाम सुन लेता है उसके सारे पुण्य क्षय हो जाते हैं और मेरा जो नाम ले लेता है एक बार भी उसको पाप लग जाता है। इस प्रकार से मुझ जैसे अधम को भी नित्यानंद प्रभु ने कृपा करके वो सारी वस्तुएं प्रदान कर दी। इसलिए हमने पहले ही श्री चैतन्य चरितामृत की महिमा का वर्णन कर दिया कि उन्होंने जो चैतन्य चरितामृत की रचना की जो कि सारे ग्रंथों से भी अभूतपूर्व, जिसमें सारे सब सिद्धांत और सब कुछ है, किसकी कृपा से हुआ, गुरु अखंड गुरु श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा। और दूसरी ओर जिन्होंने गुरु के चरणों में अपराध किया उनका सर्वनाश हो गया। रामचंद्र खान, उन्होंने भी श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपराध किया, उसके फलस्वरूप क्या हुआ, उस गांव पर आकर के यमनों ने आक्रमण कर दिया और यमनों ने उस सारे के सारे गांव को ही नष्ट कर दिया। रामचंद्र खान को बंदी बना लिया, वहां की जो स्त्रियां इत्यादि थी उनके साथ दुराचार किया। क्यों हुआ ये, क्योंकि जो भक्त के चरणों में अपराध करते हैं तो उसके संग में जितने सब लोग भी होते हैं उन सबका भी विनाश हो जाता है। आयुष्यम यशो धर्मम लोकानाम आशीष एवं अंत श्रेयांश सर्वाणि पुंसो महत अतिक्रम। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से यह बताया गया, ये शिक्षा प्रदान की कि देखो जो महत जो पुरुष होते हैं उनके प्रति विशेष सावधान रहने की आवश्यकता, नहीं तो ये पांच चीजें साथ की साथ नष्ट हो जाती। आयु, श्रेय जो श्रेय, यश धर्म जो धर्म इत्यादि के काम किए हैं, जब तक जो कुछ भी हमने भजन भजन जो कुछ भी किया है वो सब का सब साथ ही साथ महत अतिक्रम से नष्ट हो जाता। और इसका प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवत में ही, द्विविध वानर का उदाहरण आता है। द्विविध वानर ने श्री लक्ष्मण जी के चरणों में अपराध किया। अब द्विविध वानर की अवस्था कितनी ऊंची है, वो प्रेम अवस्था में प्राप्त होती है। प्रेम अवस्था क्या होती है, जहां पर साक्षात भगवान की सेवाएं प्राप्त हो जाती है वो प्रेम अवस्था। तो श्री द्विविध वानर जो है भगवान राम की साक्षात सेवा करते हैं, जो जितने सारे राक्षस थे से युद्ध करके बहुत बलवान थे, कि हनुमान अंगद जामवंत इत्यादि के समान बलवान, इन्होंने बहुत सारे असुरों का वध किया। राम जी के प्रति तो बड़ी श्रद्धा है, लक्ष्मण के प्रति मर्द बुद्धि, इसलिए उसका परिणाम क्या हुआ, आसुरी वृत्ति ने जन्म ले लिया और वो असुर बन गया। और असुर बन करके पौंडरक वासुदेव काशीराज और शिशुपाल इन दंत भक्त इन सब के साथ आकर के मिल गया और अंत में बलदेव प्रभु के हाथों ही मारा गया। यानी जो गुरु के चरणों में अपराध करेगा उसका सर्वनाश निश्चित ही है। इस प्रकार की जो शिक्षाएं हैं वो श्री नित्यानंद प्रभु के माध्यम से श्री चैतन्य चरितामृत श्री चैतन्य लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान की, और भी बहुत सारी शिक्षाएं हैं। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंशा कृपाल वंदे श्रीगुरुपद्वंदम भक्तबिंद समन्वितम श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदय।
पूजितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणाद्वयं गोपीजनसमायुक्तं श्रीवृन्दावनमनोहरं नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध रेवतीकान्त नमस्ते नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते धरणी श्रेष्ठ नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणी धरा विप्रलंबारे तो नमस्ते त्राहिमां कृष्ण पुरोपद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि श्री गौर भक्तिविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पूर्ण विष्णु पाद स्तोत्र स्तव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव महाराज जी के चरण कमलों में आम कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी अपने शिक्षा गुरु परमेश्वर गुरु जी के चरण कमलों में एवं समस्त वैष्णव एवं वैष्णवों की चरण कमलों में हमारा यथायोग दंडवत प्रणाम स्वीकार। आज बहुत ही पुण्यतिथि को लेकर हम लोग आलोचना कर रहे हैं। बलदेव प्रभु उनके विषय में कहा गया कि कृष्ण क्या है, कृष्ण परिपूर्ण है। कृष्ण के लिए कहा गया कि परिपूर्ण है, पूर्णमादा पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णोच्यते पूर्णस्य पूर्णमादा पूर्णयोगि वशिष्ठः। हर तरह से कृष्ण क्या है, पूर्ण है, पूर्ण है। फिर जो है पूर्ण कब माना जाएगा, कहा गया कि इसमें बलदेव प्रभु श्रीमती राधा रानी जो संदिनी शक्ति के अधिष्ठाती देव हैं, सब हो चुका है, मैं संक्षेप में लेकर होता हूँ। संदिनी शक्ति के जो अधिष्ठाती देव हैं वो कौन है, बलदेव प्रभु हैं। संवित शक्ति के अधिष्ठाती देव कौन है, कृष्ण है। और आलादनी शक्ति के जो अधिष्ठाती देवी हैं वो कौन है, श्रीमती राधा रानी। ये तीनों के लेके कृष्ण परिपूर्ण है। जैसे महापुर के लिए कहा गया कि पंच तत्वों के लेके श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सति गौर भक्ति सबके लेके महापुर परिपूर्ण है। इसमें से एक तत्व मानेंगे तो फिर जो है परिपूर्णता पूर्ण रूप में मानना नहीं हुआ उनको। श्री बलदेव प्रभु के लिए कहा गया क्या है, कृष्ण के द्वितीय स्वरूप कृष्ण ही है। तत्व विचार से कोई भेद नहीं है, एक कृष्ण ही बोलते बहुत दास्य रस। यद्यपि भगवत तत्व होने पर भी इनके अंदर दास अभिमान है। कहा गया वैभव प्रकाश कृष्ण रस सिर ब्रह्म राम वर्ण मात भेद सब कृष्ण समान। वैभव प्रकाश जैसे देव की तनु द्विभुज रूप कबो कबो हन चतुर्भुज करेंगे। वैभव प्रकाश जो है क्या है, बलदेव जी हैं। और जो वर्ण मात भेद इससे भी इतना ही भेद है कि जो बलदेव प्रभु हैं गोड़ वर्ण है, कृष्ण श्याम वर्ण है, इतना ही अंतर है, भेद है। पर न कृष्ण समान, सब कुछ क्या है, कृष्ण की समान है। इस कारण बलदेव प्रभु हर रूपों में कृष्ण की सेवा करते, हमने सुन लिया है। जैसे कि छत्र पादुका चामर बेसन सैया सब तरह से आसन भूषण धाम के रूप में सब तरह से इनकी सेवा है बलदेव प्रभु। यहाँ तक हम सुन रहे थे कि मधुर रस में पांचों रस में मधुर रस में विशेष रूप से अनंग मंजरी के रूप में इनकी सेवा है। बलदेव प्रभु से ही समस्त अवतारों का जो मूल फैक्टर है वहीं से प्रादुर्भाव वहीं से प्रकट हो रहे हैं सब अवतार। विशेष रूप से बलदेव प्रभु पांच रूपों में विलास है इनका। अनेक हो सकते हैं लेकिन पांच की प्रधानता है। श्री ब्रज में बलदेव रूप में है, वहां से वहां जो उनके परिकर प्रकट होते हैं वो नित्य परिकर ही वहां भगवान के पार्षद प्रकट होते हैं। हम उनको जीव बोल देते हैं लेकिन जो गुरुदेव पर बोल रहे थे किसको जीव नहीं बोला जाएगा, साधारण जीव। और भगवान के पात्रों में जो परिकर है उसमें बस पार्थक्य है, इस
इसलिए जो क्या होगा इसको जीव बोलना उचित नहीं समझ आते, व्यवहारिक तौर पे बोल दिया जाता है लेकिन ऐसा नहीं है। तो नित्य ब्रज में उनकी परिकर जो है बलदेव जी से प्रकट है, वही जो मूल संरक्षक के रूप में द्वारिका में है वहाँ भी उनके प्रकट उन्हीं से प्रकाशित हो रहे हैं, वहीं जो वैकुंठ में महासंकर्षण के रूप में है इनसे महाप्रसंकर फिर जो है वही कांडित कसाई विष्णु के रूप में प्रणत हुए हैं, उन्हीं से जीवों का जो हम है क्षुद्र जीवों का वहीं से प्रकट हुआ है, जहाँ की जिसमें की बद्धता और जो मुख्यता अर्थात वो तटस्थ हैं, चाहे तो मुक्त भी हो सकते हैं चाहे तो बद्ध भी हो सकते हैं, एक जो तटस्थ जीव वहीं से प्रकाशित होते हैं। और जो बैकुंठ में जितने भी प्रकोष्ठ हैं वहाँ जो जो अवतार हैं भगवान की पूर्व बावन मस्जिद आदि सबका अलग अलग प्रकोष्ठ है, सब उन्हीं से प्रकाशित है, वहाँ संकर्षण जो है उनसे प्रकाशित। एक पांचवा एक जो है ये शेष रूप में है, शेष रूप में जो है ये अपने फनों के ऊपर पृथ्वी की धारण करते हैं, पांच रूपों में विशेष रूप से हैं। बलदेव प्रभु जो है कहा गया कि बलदेव प्रभु हर तरह से सेवा करते हैं कृष्ण की, यहाँ तक कि रामावतार में लक्ष्मण के रूप में आए, कृष्ण अवतार में बलदेव प्रभु के रूप में आए, जब श्रीमन महाप्रभु के रूप में महाप्रभु प्रकट हुए तो उसमें नित्यानंद प्रभु के रूप में कहा गया कि भक्त रूप गौरा चंद्र जत सौ नंद नंदना भक्त स्वरूप नित्यानंद ब्रजे जो श्री महलायुत। भक्त रूप गौरा चंद्र गौर कौन है, जत सौ नंद नंदन जो है वो स्वयं क्या है गौर चंद्र है, भक्त स्वरूप नित्यानंद ब्रजे जो श्री महलायुत फल जो आयुष धारण करते हैं ब्रज में वही क्या है वही नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए महलायुत। तो ये यहाँ बता रहे हैं इस तरह से नित्यानंद प्रभु के रूप में वो जहाँ ये तारतम्य दिखाया जाएगा दया का बलदेव प्रभु के रूप में, यद्यपि तो बलदेव प्रभु परम दयालु नित्यानंद प्रभु के रूप में जो इनकी दया देखी जाती है, जो उदारता जो महान प्रदयनता इत्यादि देखी जाती है, ये सर्वथा अन्य अन्य जो अवतारों से यद्यपि कहा गया कश्चित राजांसी बिंब में पार्थी अन्य पूर्व जन्म भी जन्म कर्माणी न पिता अन्य में कर्माणी करे कि भगवान की जो है जन्म कर्म अवतार कितने इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। पर राजांसी अर्थात कोई ये समझे कि मैं भूल की कणी को कण है उसको गिन लूं ये संभव कहीं हो सकता है, लेकिन भगवान की अवतार कितने हैं इनकी गणना संभव नहीं है। भगवान की लीलाएं कितनी हैं, भगवान में गुण कितना है, भगवान क्या क्या लीलाएं क्या कार्य करते हैं इसकी गणना नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से अवतार में तो बोलते जो नित्यानंद प्रभु हैं इनमें जो अन्य अवतारों की अपेक्षा जो है ज्यादा इसमें उदारता देखी जाती है। महाप्रभु कृपा करने के लिए बाध्य हुए दगाई मदाई इत्यादि अनेक अनेक पसंद दलन और प्रेम प्रचरणा दो ही कार्य अवधुत करे परमाना, दो ही कार्य होता है पसंदियों का दलन करना और प्रेम की प्रचार करना। महात्माओं का क्या निधन को यही कर रहे हैं यही कार्य कर रहे हैं। तो यद्यपि महापुरुष बद क्रोत हैं चक्र की आह्वान कर लिया बद करने के लिए, जब निधन प्रभु पर जो आघात किया घड़े से जगाई मदाई में तो जो फिर भी निधन प्रभु की इच्छा थी तो महापुर ने फिर जो है उनका जगाई मदाई उदार किया। अरे ये लो पकड़ो।